धरती पर मौजूद इंसान ही नहीं अपने लिए आलीशान घर बनाते हैं, बल्कि जंगल की दुनिया में बहुत से ऐसे आर्किटेक्ट मौजूद हैं, जिनका आशियाना इतना खूबसूरत होता है जिसे आप एकटक देखते ही रहेंगे। जीव जंतु भी हम इंसानों की तरह ही अपना घर बाखूबी बनाना जानते हैं, और तो और इनके घोंसले को देखने के बाद आप धोखा खा जाएंगे क्या यह यूनिक स्ट्रक्चर इन जीवों ने बनाया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। नंबर 1, हॉर्नकूट। यह पक्षी ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हॉर्नकूट अपना घोंसला पेड़ों पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर बनाती हैं, जिसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियाँ और घास की मदद से ये पक्षी अपना घोंसला बनाती हैं, ताकि ये घोंसला पानी में तैरता रहे। इनके घोंसले नदी या तालाब के किनारे से तकरीबन 40 मीटर की दूरी पर बने होती हैं, जो दूर से देखने पर पहली नजर में बिल्कुल टापू की तरह दिखाई देते हैं, और इनका मुख्य भोजन मछलियाँ होती हैं। नंबर 2, बोवर बर्ड नेस्ट। बोवर बर्ड नेस्ट यह एक ऐसा पक्षी है जिसे हम इंसानों की तरह ही अपना घर सजाने का शौक होता है। इस नेचुरल आर्टिस्ट का नाम बोवर बर्ड है। इस पक्षी का घोंसला बाकी पक्षियों से बिल्कुल अलग होता है। ये पक्षी अपना घोंसला जमीन पर बनाती हैं, मगर इनके घोंसले इतने शानदार होते हैं कि पहली नजर में ये आपको किसी इंसान की झोपड़ी ही नजर आएंगे। वैसे ये घोंसले बनाने के लिए किसी ईंट पत्थर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इसके लिए ये पतली सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और इन्हीं की मदद से ये अपने घोंसले को झोपड़ी नुमा आकार देते हैं। यही नहीं, जब इनका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तो ये इन्हें रंग बिरंगे फूलों से सजाते भी हैं। नंबर 3, सोशिएबल बीवर बर्ड नेस्ट। हमारी लिस्ट में अगला जो पक्षी है, इसके घोंसले को घोंसले की जगह कॉलोनी कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि अफ्रीका में पाए जाने वाले सोशिएबल बीवर बर्ड के घोंसले दुनिया में पाए जाने वाले घोंसलों में सबसे बड़े घोंसले भी माने जाते हैं। इनकी खास बात ये है, इनका पूरा ग्रुप मिलकर घोंसले को तैयार करता है, और इनका घोंसला इतना बड़ा होता है कि इसमें लगभग 400 सोशिएबल बीवर बर्ड रह सकती हैं। इन पक्षियों का घोंसला दूसरे पक्षियों के मुकाबले बड़ा और टिकाऊ भी माना जाता है, जिसे सूखी घास और पतली टहनियों से बनाती हैं। इनके घोंसले की एक खास बात ये भी है, ये गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म भी रहते हैं। नंबर 4, ग्रेट हॉर्नबिल नेस्ट। अब हम जिस पक्षी की बात करने वाले हैं, ये इंडिया, भूटान, नेपाल जैसे देशों में पाए जाती हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ के खोखले हिस्से का इस्तेमाल करती हैं। इनका घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, जिसे ये बाहरी तरफ से भी कीचड़ से ढक देती हैं, जिसमें सिर्फ हवा जाने और खाना खाने के लिए छोटी सी जगह रखी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंडे देते समय मादा हॉर्नबिल भी पूरी तरह से नेस्ट में बंद रहती है, और वह तब तक बाहर नहीं आती जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। लगभग 3 महीने तक ये घोंसले में ही फंसे रहते हैं, और इस बीच बच्चे और मादा हॉर्नबिल के लिए खाना जुटाने का काम मेल हॉर्नबिल करता है। नंबर 5, कॉमन टेलर बर्ड नेस्ट। ये पक्षी बेहद खास होने के साथ साथ इनके घोंसले भी बहुत खास होते हैं। एशिया में बेहद तादाद में पाए जाने वाले ये पक्षी अपना ज्यादातर समय पेड़ों की टहनियों पर बिताना पसंद करते हैं। इनके घोंसले बनाने का तरीका बेहद खास है। ये घोंसला बनाने के लिए मजबूत हरे पत्तों को चुनती हैं, और उसमें इतने बारीक छेद करती हैं कि पत्ते फटते तक नहीं। इसके बाद स्पाइडर सिल्क से घोंसलों की सिलाई कर देती हैं, और फिर उसमें सिल्क रख देती हैं। घोंसला बनाने की ये कलाकारी काफी अद्भुत होती है सच में। दोस्तों, आपको इनमें से किस पक्षी का घोंसला पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।